हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, फार्मासिस्ट मैराथन सीरीज ईएसआईसी की नेक्स्ट पार्ट यहां पे हम लोग देखने वाले हैं, जहां हम लोग बात कर रहे होंगे बायोकेमिस्ट्री के एक टॉपिक की, दैट इज मिनरल वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, और ये आपका पार्ट होने वाला है 104। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में टोटल इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो होते हैं वो आपका टोटल क्या होते हैं, टोटल परसेंटेज क्या है हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स का, 40%, 60%, 70% या फिर 80%। क्योंकि बात हो रही है इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स की, तो ये आपका कितना आता है, 40% आता है, 40% आएगा। देखो यहाँ पे जरा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स इज अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। ये आपका क्या है, टोटल वाटर कंटेंट आपके वेरियस टिश्यूज का यहाँ पे दिया गया हो, जैसे टोटल वाटर जो होता है वो 50-70% होता है, और इस 50-70% का आपका इंट्रासेलुलर में बात करते हैं तो 40% आपका क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जबकि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स की बात करते हैं तो 20% आपका प्रेजेंट होता है। जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है वो भी क्या होता है, अगर आप बात करते हैं इंटरस्टीशियल फ्लूइड या फिर इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड्स में, आप तो ये 5% और 15% का रेशियो ये आपको देखने को मिलता है। चलो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो डायग्राम है ये आप थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज हायर कंसेंट्रेशन इन द एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट देन द इंट्रासेलुलर वन। इनमें जो दिए गए हुए हैं, इनमें से एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में कंसेंट्रेशन किसका ज्यादा होता है, मैग्नीशियम का, कार्बोन बाइकार्बोनेट का, फॉस्फेट का या फिर सल्फेट का। देखो बात हो रही है अगर एक्स्ट्रा सेलुलर के लिए, तो एक्स्ट्रा सेलुलर में कहां पे आपको, यहां पे आपको देखने को मिलते हैं सोडियम के, Na आता है, फिर Cl आता है, क्लोराइड्स आते हैं और बाइकार्बोनेट्स आते हैं, HCO3- आता है, ठीक है ना, बाइकार्बोनेट्स आ जाते हैं, ये आपके होते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं इंट्रा सेलुलर की, तो वहां पे क्या होता है आपका, वहां पे आ जाता है फॉस्फेट्स, वहां पे आपके फॉस्फेट्स आ जाते हैं। तो आपका, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पूछा हुआ है तो आपका सोडियम नहीं है, हाँ बाइकार्बोनेट देखो आपका दिया गया हुआ है। इंट्रा सेलुलर में आपके पोटेशियम्स आते हैं, फॉस्फेट्स आते हैं, लेकिन आपका एक्स्ट्रा सेलुलर में यहाँ पे इनमें मेंशंस में आपका बाइकार्बोनेट करेक्ट है, फॉस्फेट आपका चला जाएगा वहां पे। चलिए तो ये आपका हो जाता है इससे रिलेटेड मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन जो है आपका वो कौन सा होता है, एनायन आपका होता है क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, जबकि कैटायन जो होता है वह क्या होता है आपका, वो होता है आपका सोडियम, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, द कंसेंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द ईसीएफ वॉल्यूम। ईसीएफ मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात हो रही है। इनमें जो कंसेंट्रेशन है उनमें से रिफ्लेक्शन ऑफ ईसीएफ वॉल्यूम का कौन रिफ्लेक्शन देता, मींस कौन बताता है इसके, किसके परसेंटेज से हमको पता चल जाता है कि ईसीएफ का क्या कंसेंट्रेशन यहां पे होना है, सोडियम का, बाइकार्बोनेट का, क्लोराइड का या फिर हीमोग्लोबिन का। देखो ये तीनों जो है ये आपके क्या है, हमने बोला अभी अभी कि आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में पाए जाते हैं। अगर ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में आपके पाए जाते हैं तो किसका कंसेंट्रेशन, देखो मैक्सिमम कंसेंट्रेशन आपका यहां पे क्या है, सोडियम का ही आ जाता है, और यही इसका कंसेंट्रेशन जान करके ही हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारा जो ईसीएफ है उसका टोटल क्या कंसेंट्रेशन है। तो देखिए, द आयंस आर सेलेक्टिवली मेंटेन्ड इन देयर रेस्पेक्टिव कंपार्टमेंट्स ऑफ द बॉडी फ्लूइड, सिंस सोडियम इज लार्जली एक्स्ट्रा सेलुलर, टोटल बॉडी Na प्लस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस ड्यू टू डॉनन इफेक्ट, इनमें से कौन सी बात है जो डॉनन इफेक्ट की वजह से होती है, कंसेंट्रेशन ऑफ एनायंस इज हायर इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, कंसेंट्रेशन ऑफ कैटायन इज हायर इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, प्रोटीन्स बाइंड क्लोराइड टू फिजियोलॉजिकल पीएच, सोडियम एंड पोटेशियम लीक आउट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा प्रोटीन। देखो डॉनन इफेक्ट की बात करते हो तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ आपका एनायंस की क्या होती है, कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, जो एनायंस होते हैं उनकी कंसेंट्रेशन इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या होती है, थोड़ी इंक्रीज कर जाती है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। डॉनन इफेक्ट की बात करते हैं, जरा देखो यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे जो निगेटिवली चार्ज होते हैं प्रोटीन्स में आपके, जो एनायंस होते हैं एक्चुअली, वो क्या करते हैं, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन देयर कंसेंट्रेशन इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये आपका होता है डॉनन इफेक्ट, और ये बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन्स में ये चीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है, इनसेंसिबल वाटर लॉस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट।
इनसेंसिबल वाटर लॉस मींस ऐसी वाटर लॉस जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसको आप रोक नहीं सकते हैं, जिसका वॉल्यूम आप कम नहीं कर सकते हैं। वाटर लॉस ड्यू टू स्वेटिंग, इवेपोरेशन फ्रॉम स्किन, रिस्पायरेटरी एक्सहेलेशन ऑफ वाटर वेपर्स, या फिर नन ऑफ दीज। देखो, अगर आप बात करते हो यहां पे इनसेंसिबल की, तो आपके दो आपके जो होते हैं, पहला भाई आपके बॉडी से जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है उसको आप रोक नहीं सकते हैं, वो आपके विल में नहीं है, उसको आप अपने हिसाब से रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। और दूसरा जो आपका एयर जो आप एक्सहेल कर रहे हो, हवा बाहर निकाल रहे हैं, इसमें भी वाटर वेपर्स के फॉर्म में आता है, इसको भी आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन स्वेटिंग, पसीना आना, ये जो वाटर लॉस होता है, पसीना आने की वजह से भाई आप ठंडी जगह पे चले गए तो वाटर लॉस थोड़ा सा कम होगा इवेपोरेशन आपका स्वेटिंग की वजह से। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका इनसेंसिबल वाटर लॉस नहीं है, बाकी ये दोनों है। आपसे एक्सेप्ट ही तो पूछा गया हुआ है, एक्सेप्ट ही तो पूछा गया हुआ है, तो ये नहीं है, बाकी ये दोनों इनसेंसिबल वाटर लॉस होते हैं, इनसेंसिबल वाटर लॉस होते हैं, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। द मिनरल डेफिशिएंट इन मिल्क, मिल्क में कौन सा मिनरल की डेफिशिएंसी होती है, और ये आपके इसरो 2021 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो इनको थोड़ा सा एक बार ध्यान में आपको रखना ही रखना चाहिए। फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम या फिर आयरन। देखो, फास्फोरस भी आपके मिल्क में पाया जाता है, सोडियम भी पाया जाता है और पोटेशियम भी पाया जाता है, लेकिन आयरन, ध्यान से देखो जरा इसको, क्या कभी आपने सुना है कि मिल्क पीने से आयरन की क्वांटिटी बढ़ती है, आयरन की मात्रा मिल्क में पाई जाती है? नहीं भाई, तो मिल्क में आयरन नहीं पाया जाता है, यही आपका डेफिशियंट होता है, मिल्क में आयरन नहीं होता है। बाकी आप बात करते हैं मिल्क आपका कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सेलेनियम और जिंक का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, ठीक है ना, अच्छा सोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नॉर्मल सेफ्टी रेंज ऑफ पोटेशियम इन एडल्ट ब्लड इज 1.5 to 2 मिली इक्विवेलेंट लीटर, 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट लीटर, 6 to 8 आप, या फिर 0.5 to 1.3। तो देखो, आपकी बात हो रही है पोटेशियम की, और एडल्ट में ब्लड में, एडल्ट के ब्लड में पोटेशियम, पोटेशियम क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के तौर पे आपका होता है, तो ये आपका क्या होता है 3.5 to 5 mg इक्विवेलेंट लीटर आ जाता है। बात करते हैं थोड़ा यहाँ पे, बात करते हैं यहाँ पे जो प्लाज्मा सीरम कंसेंट्रेशन होता है उसमें क्या होता है, प्लाज्मा सीरम है उसमें पोटेशियम पाया जाता है, और ये रेंज क्या होती है 3.4 to 5 के आसपास होती है। और अगर आपका क्या होता है यहाँ पे फर्दर देखिए, ये आपके इंट्रासेलुलर केटायंस प्रीडोमिनेट प्रेजेंट होता है, और यह हीमोलिसिस ऑफ आरसीबी फॉर द एस्टिमेशन ऑफ सीरम को क्या करता है, अवॉइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच एलिमेंट इज इन्वॉल्व्ड इन वोंड हीलिंग, आपका घाव लगने पर इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि उसको जल्दी सुखा देता है, जल्दी उस पर क्योर करता है, जल्दी उसको ट्रीट करता है, जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम या फिर कैल्शियम। और ये भी आपका देखो HP SSB हिमाचल प्रदेश SSB का आपका क्वेश्चन रहा है, बताइए जरा जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम या कैल्शियम। तो आप जिंक जो होता है, जिंक जो होता है ये वोंड हीलिंग के लिए यहाँ पे सबसे बेस्ट होता है, तो जिंक आपका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिंक आपका करेक्ट आंसर है। देखो जरा यहाँ पे बात करते हैं, अगर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम्स ईजी कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एल्कोहल, डिहाइड्रोजनेज, एल्कलीन फॉस्फेटेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, सुपरऑक्साइड आपका डाई डिसम्यूटेज जो है, ये बायोकेमिकल फंक्शंस ऑफ जिंक में आते हैं। जिंक जो होता है यह वोंड हीलिंग के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसके साथ साथ वाइटमिन ए के लेवल को सीरम में मेंटेन करने के लिए भी आपका ये यूज किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ये सारे रूल्स आपको क्या करना है, याद रखने, सारी आपके सारे आपके ये फंक्शंस जिंक के रिलेटेड आपको थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, अगर एक क्वेश्चन आया हुआ तो हो सकता है नेक्स्ट कहीं से जिंक से रिलेटेड कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई इटाई डिजीज इज एसोसिएटेड विद, जो इटाई इटाई डिजीज होती है वह कौन से आपका यहां एलिमेंट से एसोसिएटेड है, उससे रिलेटेड है, कैडमियम से, मर्क्यूरी से, लेड से या फिर आपका आयरन से। तो देखो इटाई इटाई की बात करते हैं तो इटाई इटाई आपका किससे रिलेटेड है, कैडमियम से होता है, ठीक है ना। इटाई इटाई, इतनी कैंडी, ऐसा करके याद रखना है, इतनी कैंडी,
इतनी कैंडी या फिर इतनी कड़क, दो में से कुछ भी याद रखिए। इतनी कड़क मैं क्यों बोल रहा हूँ, इतनी कड़क से रिलेटेड यह है कि आपके बॉडी में जो कड़क मीन्स आप बोन्स की बात कर रहे हो, कड़क शब्द याद आते ही आपके बोन्स पे पहुंचना चाहिए ध्यान। यहां पे क्या होता है, बोन्स डिसफंक्शन होते हैं, आपके बोन्स में पेन होता है, तो ये कैडमियम हो जाएगा आपका आंसर, और ये आप रिसेंट में ही क्वेश्चन आया हुआ था। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ये देखो आप जरा, यहाँ पे क्या होता है, ऑस्टियोमेलेसिया होता है विद सेवरल सीवियर बोन पेन, और ये क्या होता है, रीनल ट्यूबुलर डिसफंक्शंस भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, उसमें भी ये आप चीज यहाँ पे प्रेजेंट होती है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्सियम इन ब्लड प्लाज्मा इज, ब्लड प्लाज्मा में आपका नॉर्मल कैल्सियम का लेवल कितना होता है, ये उड़ीसा आपका पूछा गया हुआ था 2021 में, 9 to 11, 20 to 40, 30 to 40 और 100 मिलीग्राम पर 100 ml, अरे ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया, ये होता है आपका लेवल 9 to 11 मिलीग्राम पर 100 ml, ये आपका क्या है, नॉर्मल कैल्सियम लेवल है, कैल्सियम लेवल है ब्लड प्लाज्मा में, तो ये क्या हो जाएगा 9 से 11 हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द ब्लड कैल्सियम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा सिंस द ब्लड सेल्स कंटेन वेरी लिटिल ऑफ इट, द नॉर्मल कंसेंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा और सीरम कैल्सियम इज 9 टू 11 मिलीग्राम पर डीएल, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर ब्लड प्लाज्मा कैल्सियम से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑब्लिगेटरी रीनल वॉटर लॉस इन अ नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट इज अबाउट, आपका ऑब्लिगेटरी रीनल वाटर लॉस जो होता है एक एडल्ट में वह कितना होता है, जो नॉर्मल आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं या जीनोबायोटिक्स हैं आपके एसेंशियल, वो आपके किडनी में जाते हैं, उनको आपका एक्सक्रीट आउट करने के लिए किडनी एटलीस्ट कितना आपका क्या करती है, रीनल लॉस करती है, 350 ml, 500 ml, 650 ml या फिर 800 ml, तो ये जो होता है आपका ये होता है 500 ml, 500 ml आपका क्या होता है, ऑब्लिगेटरी रीनल आपका यहाँ पे ट्यूबुलर लॉस होता है। देखो क्या है, प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी इज मेंटेन्ड विद इन अ नैरो रेंज ऑफ 275 टू 290 ऑस्मोल इन अ सिंगल डे, एवरेज ह्यूमन एडल्ट वुड मेक अबाउट 600 ऑस्मोल्स ऑफ दीज वेस्ट, किडनी वर्क्स टू एक्सक्रीट द वेस्ट ज़ेनोबायोटिक्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, द मैक्सिमम पॉसिबल ऑस्मोलरिटी ऑफ द यूरिन इज 1200 ऑस्मोल पर केजी, देयरफॉर अ मिनिमम 500 ml ऑफ यूरिन वॉल्यूम हैज टू बी एक्सक्रीटेड टू गेट रिड ऑफ दीज वेस्ट सॉल्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू द बर्न पेशेंट नीड अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स, जो बर्न पेशेंट होते हैं उनको ज्यादा फ्लूइड्स क्यों चाहिए होता है, बर्निंग डिस्ट्रॉय द टिश्यू आर्किटेक्चर, द रीबिल्डिंग रिक्वायर वाटर, प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल रिच कॉर्निफाइड लेयर ऑफ द स्किन इज लॉस्ट, बर्न कॉजेस अ डिक्रीज इन एडीएच, थस पेशेंट्स रिटेन लेस वाटर, ऑल ऑफ दीज। देखो होता क्या है, जो भी आपका नॉर्मल ह्यूमन है जो अनबर्न है उनमें होता क्या है, आपकी स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, फिजिकल प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि बनी हुई होती है किसकी, कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई होती है, कॉर्निफाइड लेयर होती है, तो जब बर्न होता है, कोई पर्सन बर्न होता है जलता है, तो वो क्या होती है, यही लेयर वहां पे रप्चर हो जाती है, यही लेयर डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इसको वापस से गेन करने के लिए क्या होता है आपका, इसको वापस से गेन करने के लिए हमको ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, सो जो आपका बी ऑप्शन है यही क्या हो जाता है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, करेक्ट हो यहाँ पे जाएगा, नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैव अ कोलेस्ट्रॉल रिच कॉर्निफाइड कवरिंग लेयर, और यही जब आपका क्या होती है, आपका बर्न होती है, तो टू कंपेंसेट हैवी लॉस बर्न पेशेंट्स नीड टू बी गिवन ए लॉट ऑफ वाटर, वहां से वाटर बाहर निकलता है भाई, वाटर तभी तो निकलता है जलने के बाद ही, देखो ना वाटर बाहर आ रहा होता है वहां से, तो इसको बचाने के लिए, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ज्यादा वहां पे वाटर कंटेंट का पेशेंट पे देते हैं, सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरास्मस इज एसोसिएटेड विद, जो मैरास्मस होता है वह कौन, किस इनमें से किससे एसोसिएटेड होता है, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी, फैट एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी, या फिर ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी। देखो आपका चाहे मैरास्मस की बात करो या क्वाशियोर्कर की बात करते हैं, ये दो के दोनों ही क्या होते हैं आपके, प्रोटीन डेफिशिएंसीज होती है,
सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या होती है, ये प्रोटीन डेफिशिएंसीज होती है। देखो जरा क्या है, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं, मरेस्मस में देखते हैं आप, चलो पहले इसको देखो, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन पीएम समटाइम्स कॉल्ड प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। पीईएम इज वाइडली प्रीवेलेंट इन इन्फेंट्स एंड प्री स्कूल चिल्ड्रेन। क्वाशियोर्कर एंड मैरास्मस आर टू एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, इन्हीं में ही होती है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो जाता है यहाँ पे, करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए हमारे कौन कौन से रिसेप्टर्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, बारो रिसेप्टर, ऑल ऑफ दीज किसके लिए है, इन वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है ना। हाँ जी, तो वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आपका ऑस्मो रिसेप्टर्स भी होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स भी होते हैं, बारो रिसेप्टर्स भी होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर रिक्वायर्ड टू रेगुलेट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है वो क्या होते हैं, ईसीएफ और आईसीएफ की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करते हैं। कीमो रिसेप्टर क्या करते हैं, चेंज को डिटेक्ट करते हैं कि क्या कोई इलेक्ट्रोलाइट के आने की वजह से यहाँ पे चेंज तो नहीं आया है, केमिकल बेसिकली ये आपका। और जो बैरो रिसेप्टर हैं वो इंट्रावैस्कुलर प्रेशर को जज करते हैं और उसको क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे ये वर्क शो करते हैं। तो तीनों ही आपके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग स्वेट। स्वेट के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या ट्रू लिखा गया हुआ है, स्वेट इज अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन, स्वेट इज अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन, स्वेट इज एन आइसोटोनिक सोल्यूशन, इट कुड बी एनी ऑफ द अबव डिपेंडिंग अपॉन द वेदर एंड एक्सरसाइज। देखो जो स्वेट होता है, जो पसीना आता है, वो हमेशा हमेशा ऑलवेज आपका क्या होता है, हाइपोटोनिक होता है, हमेशा हाइपोटोनिक होता है। उसकी जो टोनिसिटी है वह क्या होती है आपकी, कम होती है। और ये हमेशा याद रखना है, चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए, कोई भी केस होगा, ज्यादा भी हो रहा है कम हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ा, स्वेटिंग ज्यादा हो रही है या फिर कम हो रही है, नहीं, आपका इसकी जो टोनिसिटी है वो कम होती है, तो इस वजह से आपका स्वेट क्या होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है। ठीक है ना, ये हमेशा ऑलवेज याद रखना इसे। डेफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी क्या कॉज करेगी, ग्रोथ रिटार्डेशन, मेंटल डिजीज, पार्किंसोनिज्म या फिर इंपेयर्ड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। आपको बात करना है मैग्नीशियम की, ग्रोथ वगैरह में तो आपको चाहे मेंटल की बात करते हो तो यहाँ दोनों में ही क्या होता है, आपका आयोडीन आ जाता है, आयोडीन आ जाता है। लेकिन यहाँ जो ये न्यूरोमस्कुलर है, ये आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है, ये एक्चुअली न्यूरोमस्कुलर की बात करते हैं। न्यूरोमस्कुलर के लिए आपको क्या जरूरत होती है, मैग्नीशियम की जरूरत होती है। तो मैग्नीशियम मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको थोड़ा सा याद रखना है, तो मैग्नीशियम की जरूरत होती है आपको न्यूरोमस्कुलर आपके लिए, यहाँ के लिए। तो इंपेयर्ड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपका इसकी वजह से हो जाएगा। मैग्नीशियम देखो, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बोन्स, टीथ, को फैक्टर फॉर एंजाइम एंड एंजाइम काइनेज, न्यूरोमस्कुलर वीकनेस, इरिटेशंस, वीकनेस एंड कन्वल्जंस। आपका रिकमेंडेड डोज क्या है आपका एक दिन में, तो यह आपका है 300 to 350 मिलीग्राम। और इसका मेजर सोर्सेस क्या है, फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स हो जाते हैं। ग्लूकोज इज एडेड इन ORS, ओरल रिहाइड्रेटिंग सप्लीमेंट जो है आपका, देखो सॉल्यूशन में, तो आपका क्या करना है, किस लिए ग्लूकोज ऐड किया जाता है, टू इंप्रूव टेस्ट, डिक्रीज बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन ऑफ जीआईटी के बैक्टीरिया के कोलोनाइजेशन को रोकने के लिए, इंक्रीज स्टेबिलिटी वाइल इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। देखो जरा, तो आप बात कर रहे हो अगर ग्लूकोज की, ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज सोडियम के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो आपका ग्लूकोज इसलिए आप ऐड करते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज फैसिलिटेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गैलेक्टोज इज सिमिलर टू दैट ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट देखिए, अ मिनरल रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन इन द पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में इंसुलिन की सिंथेसिस के लिए इनमें से कौन सा एलिमेंट रिक्वायर्ड होता है, जरूरी होता है। अब इंसुलिन क्या करेगा, बाकी आपको तो पता ही है। तो आप देखो, आयोडीन, आयरन, जिंक या फिर पोटेशियम, तो ये होता है जिंक। जिंक यहाँ पे भी आ रहा है, और हमने वाउंड हीलिंग के लिए भी जिंक को देखा था। तो जिंक क्या होता है, ये आपका वहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आपका यहाँ पे जरूरत
आता है इसकी बायोकेमिकल फंक्शंस ऑफ जिंक के बारे में देख लो, ये आपके बहुत सारे एंजाइम्स के लिए लाइक कार्बोनिक एनहाइड्रेज अल्कोहल ये सब होता ही है, हमने इसमें देखा था, विटामिन ए के सीरम में भी आपका हो रहा था, और स्टोरेज सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज रिक्वायर्ड जिंक, यहां भी जरूरत पड़ती है। न्यू क्वेश्चन नया देखिए क्या है, न्यू बॉर्न बेबीज लूज वेट इन द फर्स्ट वीक ऑफ द लाइफ बिकॉज, जो नए बच्चे पैदा होते हैं वो अपना फर्स्ट वीक पहले हफ्ते में ही उनका वेट बहुत कम हो जाता है, क्यों ऐसा हो रहा है, दे आर नॉट एबल टू गेट इनफ न्यूट्रिशन टिल दे आर वेल एडाप्टेड, दे लूज द प्लेसेंटल प्रोटीन इन द फर्स्ट वीक, दे नॉर्मली लूज दिस एक्सेस ईसीएफ इन द फर्स्ट पोस्ट नेटल वीक, मदर्स मिल्क इज रिच इन प्रोटीन्स दैट लो इन वाटर सो वेट लॉस इज ड्यू टू ऑब्लिगेटरी वाटर लॉस। देखो क्या होता है, जैसे ही बेबी बाहर आता है मदर से तो होता क्या है उस केस में, आपका बहुत सारा उसके अंदर होता है ईसीएफ, वो ईसीएफ क्या होता है धीरे धीरे आपका कम हो रहा होता है, जिस वजह से उसका वेट में पहले वीक में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। सो दे नॉर्मली लूज दिस एक्सेस ऑफ ईसीएफ इन द पोस्ट नेटल वीक, तो सी ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए, ठीक है ना। न्यूनेट्स आर बॉर्न विद एक्सेस ऑफ टोटल बॉडी वाटर टीडब्ल्यू प्राइमरली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, दे नॉर्मली लूज दिस एक्सेस ऑफ ईसीएफ इन द फर्स्ट पोस्ट नेटल वीक। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ वॉटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, कौन है जो वॉटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के रेगुलेशन के लिए जरूरी नहीं होता है, टायरामीन हो गया, ब्रेडिकाइनिन, कैलिडिन है या फिर एंजियोटेंसिन है, तो यार ब्रेडिकाइनिन की बात करो आप या कैलिडिन की बात करो या एंजियोटेंसिन की बात करो, ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपका वाटर रेगुलेशन के लिए, लेकिन टायरामीन का क्या कभी आपने कहीं देखा है टायरामीन से रिलेटेड, तो टायरामीन आपका क्या है ये यहाँ पे आपका जरूरत नहीं होती है टायरामीन की, और तो टायरामीन हैज नो इफेक्ट ऑन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर ऑस्मोलरिटी इन अ हेल्दी एडल्ट इज, एक्स्ट्रा सेलुलर ऑस्मोलरिटी की बात हुई है, मोर देन इंट्रा सेलुलर ऑस्मोलरिटी, लेस देन इंट्रा सेलुलर ऑस्मोलरिटी, इक्वल टू इंट्रा सेलुलर ऑस्मोलरिटी, एनी ऑफ द अबव डिपेंडिंग अपॉन द फ्लूइड इनटेक, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सॉरी एक्स्ट्रा सेलुलर ऑस्मोलरिटी की बात करो या फिर इंट्रा सेलुलर ऑस्मोलरिटी की बात करो, इन दोनों की आपकी क्या होती है आपका इक्वल होती है, क्या होता है ये इक्वल होता है, बराबर होता है ये, ठीक है ना, दोनों आपका बराबर होते हैं। वाटर मूव्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द लो ऑस्मोलरिटी टू हाई ऑस्मोलरिटी साइड ऑफ द मेम्ब्रेन अंटिल द टू साइड्स हैव इक्वल ऑस्मोलरिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड डेवलप इन पीपल स्ट्रैंडेड ऑन सी, जो लोग सी पर रहते हैं उन पे आपको किस टाइप का आपको डेवलप करने की कंडीशंस देखने को मिल सकते हैं, प्राइमरी डिहाइड्रेशन, सेकेंडरी डिहाइड्रेशन, हाइपो ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन या फिर हाइपर ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन। देखो जो सी के पास रहते हैं उनको स्वेटिंग ज्यादा होगी और जो स्वेटिंग होगी उसमें क्या होगा सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट्स बिल्कुल भी बाहर नहीं आते हैं, इसी को आप बोलते हैं प्राइमरी डिहाइड्रेशन, तो जो ऐसे लोग होंगे उनमें क्या हो सकता है प्राइमरी डिहाइड्रेशन देखने को मिल सकता है, ऐसे केसेस में क्या होगा ये आपका इनको क्या देखो यहाँ पे मैरियट टर्म्ड द लॉस ऑफ वाटर विदाउट एनी सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एज प्राइमरी डिहाइड्रेशन, और ये आपका सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कहाँ पे, उसकी वजह से वाटर इनटेक आपको बढ़ाना चाहिए। This is the case of the people stranded on the sea. They cannot drink sea water due to its high salt content. The obligatory loss of water result in the pure water depletion known as primary dehydration. Chalo. Wilson's disease is due to the excess of Wilson's disease. Kiski wajah se hoti hai? Copper, zinc, iron ya fir calcium. तो विल्सन्स डिजीज में क्या होता है आपके कॉपर के पार्टिकल्स, कॉपर आपका लीवर में एक्यूमुलेट होने लगता है, तो आपका क्या होता है यह होता है एक्चुअली कॉपर की वजह से विल्सन्स डिजीज को, और आप क्या बोलते हैं हिपैटोलेंटिकुलर डिहाइड्रोजनेज, हिपैटोलेंटिकुलर डीजेनरेशन बोलते हैं, यहाँ क्या क्या होता है आपका कॉपर डिपॉजिट होने लगता है एब नॉर्मल अमाउंट्स में लीवर में और इसके साथ साथ लेंटिकुलर न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन में भी।
डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कैन कॉज, आयोडीन की डेफिशिएंसी क्या कॉज कर सकती है? गोइटर, जी हाँ बिल्कुल कर सकती है। क्रेटिनिज्म, हाँ जी हाइट छोटी हो जाती है ना, और साथ साथ मिक्सिडेमा, जी हाँ बिल्कुल, ये तीन के तीनों को ही कर सकती है। ऑल ऑफ दीज आंसर आपका हो जाएगा, आयोडीन डेफिशियंसी क्रेटिनिज्म गोइटर और मिक्सिडेमा कराती है। इसके साथ साथ बाकी अदर्स भी, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, अच्छा रुको जूम कर देते हैं, इसको एक बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा सारे के सारे जो भी हैं, किसकी वजह से कौन सी डेफिशिएंसी क्रॉस होगी, ठीक है ना। आयरन की वजह से क्या है, देखो हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया हो गया आपका, कॉपर की वजह से एनीमिया और मैग्नेस डिजीज हो, मेनकेस डिजीज हो जाता है, आयोडीन की वजह से हो गया, मैग्नीज ऑलमोस्ट अननोन है, जिंक की वजह से ग्रोथ रिटार्डेशन, पुअर वुंड हीलिंग वगैरह हो सकता है, मोल्ड ऑलमोस्ट अननोन, कोबाल्ट के परनीसियस एनीमिया हो गया, विटामिन B12 की कमी से होता है ये। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन वाटर बाई, इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में आपका क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस वाटर में कम हो जा रही है, इस किसकी वजह से, कॉमन आयन इफेक्ट, ना जी यहाँ तो आपका कहीं से भी डिसोसिएशन थोड़े हो रहा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, नहीं नहीं एक्चुअली सॉल्टिंग आउट, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, सॉल्टिंग आउट बोलते हैं, अगर कभी क्या हो रहा है आपका आपका सॉल्युबिलिटी वाटर गैस की डिक्रीज हो जा रही है, कम हो जा रही है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या फिर सॉल्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्टिंग आउट बोलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई क्वाशियोर्क, डॉक्टर एडम मैक्सवेल, डॉक्टर जेराल्ड क्वाशियोर्क, डॉक्टर सिसली विल्सन और डॉक्टर विलियम वेंट्रप, ये कौन है आपका फर्स्ट पर्सन, कौन है जिसने आइडेंटिफाई किया हुआ था क्वाशियोर्कर को? तो देखो यहाँ पे बहुत से लोग इस आंसर में क्वाशियोर्क देख करके इसको लगाएंगे, बट रुको, पहले पर्सन कौन थी, ये थी मैडम सिसली विलियम, कौन थी मैडम सिसली विलियम, डॉक्टर सिसली विलियम थी। देखो इन्होंने क्या किया था, हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अचीविंग द फिजिशियंस ड्रीम बाई डायग्नोजिंग आइडेंटिफाइंग द कॉज एंड फाइंडिंग द प्रिवेंशन एंड क्योर फॉर अ डिजीज, द डिजीज सी आइडेंटिफाई वॉज क्वाशियोर्कर, अ सीवियर फॉर्म ऑफ प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, विलियम वॉज द फर्स्ट वुमेन टी रिकॉग्नाइज कंडक्ट रिसर्च ऑन क्वाशियोर्क एंड डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अदर डाइट्री डेफिशियंसीज, ठीक है ना। द लोकेशन वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब इनटू द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा आपके जो क्या है न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स है, वो कहाँ पे अब्सॉर्ब किए जाते हैं, स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में? देखो इन दोनों जगहों पर आप चाहे इसकी हेल्प, लीवर तो आप ठीक है, स्टमक क्या करता है आपका डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन आप बात करते हो स्मॉल इंटेस्टाइन, हमेशा याद रखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, यहाँ सबसे ज्यादा क्या होते हैं आपके जो माइक्रोविलाइज होते हैं, यही आपका एब्जॉर्प्शन सबसे बेस्ट करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आपके मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। तो डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में करते हैं, स्टमक ड्यूडनम अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये आपका डाइजेशन का पार्ट होता है, लेकिन आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लोअर पार्ट है वो आपका एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हाइपोऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन इज द कंडीशन सीन इन हाइपरनैट्रीमिया, हाइपोनैट्रीमिया, पल्मोनरी एडमा या फिर ऑल ऑफ दीज। देखो हाइपोऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन की बात हो रही है, मतलब हाइपोनैट्रीमिया की बात कर रहे हो आप, ठीक है ना, हाइपोनैट्रीमिया कंडीशन को ही बोलते हैं। हाइपोऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन में आपका सोडियम क्या होता है, सोडियम कुड बी लॉस्ट फ्रॉम ईसीएफ थ्रू जीआईटी ड्यूरिंग डायरिया एंड वॉमिटिंग एंड ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ डायूरेटिक्स विच वर्क थ्रू सोडियम पोटेशियम एटीपेज चैनल्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन यूजुअली बिकम्स डेफिशिएंट इन आयरन, सोडियम, सोडियम कैल्शियम, कैल्शियम आयरन, मैग्नीशियम एंड आयरन। तो प्रेग्नेंट लेडीज में क्या होता है, रिकमेंड किया जाता है ना कैल्शियम और आयरन को, क्यों, क्योंकि आयरन रिस्पॉन्सिबल है ब्लड के लिए और कैल्शियम है बोन्स के लिए, सबसे ज्यादा यही तो बेबी को वहां पर जरूरत पड़ती है। तो ये आपको क्या होगा, बेबी फॉर्मेशन, जो बेबी बन रहा है फेटस से तो मदर से ही तो जाएगा वो चीजें, तो ये आपका जरूरत पड़ती है आपके प्रेग्नेंट लेडीज में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर लीडिंग टू, अगर वाटर का क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन, अरे एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर हुआ है तो बोथ एंड भी कहां से हो सकता है, नन हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली एडिमा होता है, स्वेलिंग जो आती है ना,
एडिमा हो जाएगा। देखो जरा ये आपका क्या है, नॉर्मल फूट है, फूट विद एडिमा, यहाँ पे क्या हुआ है एक्चुअली, वाटर का क्या हुआ है, यहाँ पे एक्युमुलेशन देखने को मिल रहा है, जिस वजह से ये आपको देखने को मिलता है। तो ये है डियर आपके बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस हमने जो यहाँ पे डिस्कस किए हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू ऑल।